यही दोस्तों बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर करने के बाद बीएड के समर्थन में अध्यादेश लाने के लिए अब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी बीएड के समर्थन में अपने बयान जारी करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला दोस्तों भीम आर्मी चीफ के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में अपनी पुरजोर तरीके से बीएड के समर्थन में मांग की है कि बीएड के समर्थन में अध्यादेश लाया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि अगर छात्र हित में यह मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश भर में प्रदेशों की राजधानी में आंदोलन कर महामहिम राज्यपाल जी को और अंततः देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें बीएड के समर्थन में अध्यादेश लाने की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि ट्विटर पे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि वह बीएड का समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बीएड के समर्थन में सरकार अध्यादेश लाए और बीएड के बच्चों को पीआरटी में शामिल होने का मौका दे, अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी। हालांकि इस पोस्ट के बाद चंद्रशेखर आजाद को लाखों की संख्या में समर्थन मिला, वहीं इसके विपरीत लाखों की संख्या में इनको विरोध भी झेलना पड़ा। बीएड का समर्थन करने वाले बच्चों ने जहां ट्विटर पे संविधान की आवाज चंद्रशेखर आजाद के नाम से इनको अपना समर्थन दिया, वहीं विरोधियों ने संविधान विरोधी चंद्रशेखर आजाद से इन्होंने अपना ट्विटर कैंपेन चलाया। लेकिन अगर हम समर्थन की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद के इस मांग को बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों ने समर्थन दिया है, उनको इस मामले में सपोर्ट किया है। अब आगे देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद सच में प्रदेश की राजधानी चाहे लखनऊ में पटना में बड़ा आंदोलन करते हैं। यकीन मानिए चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे युवा नेता और तेज तरार नेता हैं कि अगर वो इस मांग के साथ किसी भी प्रदेश की राजधानी में आते हैं तो उनके पीछे लाखों लाखों युवा एक आवाज के शामिल हो जाएंगे और यह मांग एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सकता है। तो क्या सच में चंद्रशेखर आजाद लखनऊ या पटना में आके प्रदर्शन करेंगे, क्या उनके पीछे समर्थन में बीएड अभ्यर्थी आएंगे, वो तो देखने की बात होगी। लेकिन आइए जरा इस पोस्ट को पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने इस पोस्ट में क्या कहा कि ट्विटर पे एक जंग से छिड़ गई बीएड और बीटीसी के विवाद में और एक बड़ा बल मिला बीएड के समर्थन में अध्यादेश का मांग करने वाले विद्यार्थियों को। तो पहले देखते हैं कि इस पोस्ट में चंद्रशेखर आजाद ने लिखा क्या था। पोस्ट के शुरुआत में चंद्रशेखर आजाद ने एनसीटी के उस गाइडलाइन का जिक्र किया, कहा कि एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जो आधिकारिक शासकीय राजपत्र के अनुसार बीए डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के योग्य घोषित किए गए थे, इसी योग्यता के मद्देनजर देश भर में करोड़ों युवक और युवतियों ने शिक्षा कार्य में लगे हुए हैं। अब 25 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट राजस्थान द्वारा इस राज्यपत्र को अमान्य करार दिया गया और गत 11 अगस्त 2023 को माननीय उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए भारत सरकार द्वारा जारी राज्यपत्र को अमान्य करार कर दिया गया, जिससे एनसीटी और भारत सरकार की कार्यनीतियों व विश्वसनीयता पर बुनियादी और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया गया है। अब आगे चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, करोड़ों युवा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से युवाओं की इस समस्या को न्यायोचित समाधान की मांग करते हैं। युवा नेता होने के कारण मैं बेरोजगार युवाओं के दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए अगर छात्र हित में हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो देश भर के प्रदेश की राजधानियों में प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल जी को और अंततः देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। नीचे वो लिखते हैं हैशटैग बीएड मांगे अध्यादेश, यानी कि बीएड में बीएड के समर्थन में अध्यादेश लाने की बात कही चंद्रशेखर आजाद जी ने। दोस्तों ये पहला मौका है कि जब किसी राजनीतिक पार्टी ने खुलकर इसके समर्थन में बात करी है और उसके समर्थन में लाखों युवा ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं और समर्थन की मांग कर रहे हैं। यदि सच में अगर ऐसा होता है और इसी प्रकार से अन्य राजनीतिक पार्टियां भी बीएड के समर्थन में आती हैं तो बीएड को बड़ा बल मिलेगा, ताकत मिलेगा और साहस मिलेगा कि वो वापस से बीएड को पीआरटी में शामिल करा सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा निर्णय है कि बीएड के बच्चों को अमान्य घोषित करते हुए केवल प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती में डीएलएड वालों को योग्य माना गया है। इसको परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? अगर केंद्र सरकार
इसके बीएड के समर्थन में अध्यादेश लाए, जिसकी मांग तमाम बीएड अभ्यर्थी कर रहे हैं और साथ ही साथ चंद्रेश्वर आजाद जी ने भी किया है। दोस्तों आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि एक बीएड विद्यार्थी होने के नाते मैं भी इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि एक बराबर और सबको मौका देना चाहिए, क्योंकि बीएड के बच्चों का सच में सपना होता था कि वो पढ़ लिख कर आगे शिक्षक भर्ती में प्राथमिक में वो अपना योगदान दे सके और वो एक शिक्षक शिक्षिका बन सके। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के खिलाफ, इस फैसले के बाद एक बड़ा झटका लगा बीएड अभ्यर्थियों को। दोस्तों इस फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही, जैसे ही संबंधित कोई और खबर आती है आपको बताया जाएगा। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या प्रतिक्रिया रही जब आपको पता चला कि बीएड वालों को अमान्य कर दिया गया है। बाकी इस पोस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, चंद्रशेखर आजाद का क्या आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जैसे कोई अपडेट आती है आपको जरूर बताया जाएगा। बीएड से संबंधित अन्य खबरों के लिए दोस्तों, अन्य क्लासेस के लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि नहीं जुड़े हैं चैनल तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी मुझे आपके कमेंट का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।